दोस्तों इस वीडियो में हम आरसी कार के लिए फ्रंट एक्सल स्टेप बनाने सीखेंगे और आरसी कार के लिए फ्रंट व्हील में बेयरिंग को फिट करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मल्टीफील्ड के वीडियो अपलोड होते रहते हैं। यहाँ पर हमने आरसी व्हील लिए हैं और इसके साथ एक सर्कुलर पार्ट को कट किए हैं, वुडन सर्कुलर पार्ट जिनका साइज है 30 mm ओडी आउटर डायमीटर। और उसके बाद हम लोग इस बेयरिंग को लेंगे जिसका साइज है 4 × 13 × 5 यानी 4 mm इसका इंटरनल डायमीटर है जहां पर शाफ्ट अटैच होता है। और उसके बाद 13 mm आउटर डायमीटर है बेयरिंग का और 5 mm इसका हाइट है बेयरिंग का। और इस वुडन सर्कुलर पार्ट में इन बेयरिंग के साइज को होल करेंगे एकदम सेंटर पर। उसके बाद हम लोग इन बेयरिंग को इस वुडन सर्कुलर पार्ट में टाइटली फिट करेंगे। दोस्तों यहाँ इस सर्कुलर पार्ट में ये बेयरिंग के साइज़ को होल कर चुका हूँ इसमें। दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि बहुत मेहनत से ये होल करना पड़ा है, बहुत इसमें जुगाड़ करना पड़ा था होल करने के लिए। तो दोस्तों ये बेयरिंग है, बेयरिंग के साइज़ का ये कि ये सर्कुलर ब्लॉक में है, ये इस तरह से फिट हो जा रहा है। पर लेना है इस तरह से फेवी की और इनके साइज में इस तरह से लगा देना है। तो साइज को देख करके हम बीच में इसको चिपका देंगे। दोस्तों अब इसको इधर से हम फेविकिक लगा देंगे इस सारे कॉर्नर में और ये अच्छी तरीके से ये चिपक जाएगा। इसमें लगा देंगे दोस्तों, इसमें फेविकिक लग चुका है और ये अच्छी तरीके से टाइट भी हो गया है।